मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस कटनी प्रभारी संगीता सिंह की का कटनी में आगमन हुआ है और सिविल लाइन सर्किट हाउस में कटनी महिला शहरी एवं ग्रामीण महिला कांग्रेस इकाई ने प्रभारी के समक्ष अपनी अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। वहीं आगामी समय में कटनी कांग्रेस की महिला इकाई ने चुनाव में बूथ से लेकर मतदाताओं तक पैठ बनाने और 2023 में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सरकार बनाने पर रणनीति बनाई। इस दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जोश और उल्लासपूर्वक कार्य करने जमीन स्तर पर लोगों से जुड़ाव हेतु कई मुद्दों पर चर्चा और बैठक हुई। गीता सिंह जी आई हैं यहाँ प्रभारी के रूप में और विभा पटेल जी ने इनका नेतृत्व किया है, तो आज जितने भी मेरे ग्रामीण के ब्लॉक अध्यक्ष हैं उनसे उनका मतलब नियुक्ति पत्र सब उनसे मिलवाया है संगीता जी से, और सबको ग्रामीण उसे मिलवा के सब महिलाएं इकट्ठी होके संगीता दीदी से मिलके सबने कांग्रेस को आगे बढ़ाने के लिए मजबूत करने के लिए सबने वचन लिया है कि हाँ सब लोग एकत्रित होके कांग्रेस को। कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष विभा पटेल जी के द्वारा मुझे यहाँ पर कटनी में भेजा गया है संगठन को मजबूत करने के लिए, मुझे प्रभारी बनाया गया है। उसी तारतम्य में मैंने आज यहाँ पर महिला कांग्रेस की मीटिंग रखी थी जिसमें सारे कार्यकारिणी मेंबरों से मुझे मिलना था और संगठन के विषय में उनको जानकारी देनी थी और संगठन को बढ़ाने के लिए उनको निर्देशित किया है। और साथ ही साथ आगामी विधानसभा 2023 में हमने कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे उसको लेके मंथन किया, धरना प्रदर्शन आंदोलन जो भी होगा उन विषय में विचार किए हैं।